हेलो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की इस वक्त की नई खबरों में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि इंटरनेशनल फ्लाइटों की तरफ से और इसके अलावा दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से आप सभी लोगों के लिए क्या जरूरी खबर सामने आ रही है। तो पहली बड़ी खबर की जानकारी ले लेते हैं, जो कि यहाँ पर जापान की तरफ से आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले कि जापान की गवर्नमेंट ने अब यहाँ पर यह अनाउंसमेंट कर दिया है कि वो 10 जून से फॉरेन टूरिस्ट लोगों के लिए अपने इंटरनेशनल बॉर्डर को पूरी तरीके से चालू कर देगी। तो जो लोग भी 10 जून से नेपाल में ट्रैवल करके जाना चाहेंगे, तो ऐसे सभी लोग अब बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के आसानी से जापान में ट्रैवल कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये एक बहुत अच्छी खबर है उन सभी ट्रैवलर्स लोगों के लिए जो लोग जापान में जाना चाहते थे, लेकिन जापान की गवर्नमेंट के द्वारा फ्लाइटें चालू ना होने की वजह से ऐसे लोग ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे। तो अब ऐसे सभी लोग भी 10 जून से आसानी से जापान में ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी खबर की जानकारी ले लेते हैं, जो कि यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से आ रही है। तो आपको बताते चले कि दिल्ली एयरपोर्ट पर CISF के जवानों ने एक अफगानिस्तान नागरिक को 64 लाख रुपए से अधिक मूल्य की गोलियां ले जाने के आरोप में हिरासत में ले लिया है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 से इस पैसेंजर्स को गिरफ्तार किया गया। और आपको बताते चले कि CISF के जवानों ने यहाँ पर यह जानकारी दी है कि ये जो 64 लाख से अधिक मूल्य का जो गोलियाँ पकड़ी गई हैं, ये गोलियाँ यहाँ पर ब्रेन ट्यूमर के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली गोलियाँ थी। इसके साथ साथ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी खबर की जानकारी ले लेते हैं, जो कि यहाँ पर स्पाइसजेट और इंडिगो की फ्लाइट को लेकर आ रही है। तो आपको बताते चले कि कई सारे यात्रियों का यहाँ पर ये कहना है कि कोरोना वायरस के बाद अब यहाँ पर स्पाइसजेट और इंडिगो जो है वो अब अपने पैसेंजर्स के साथ गले तरीके से व्यवहार कर रही है। जी हाँ दोस्तों, कई सारी पैसेंजर्स का ये कहना है कि ये दोनों एयरलाइंस कंपनियां जो है वो अपने पैसेंजर्स को सही तरीके से हैंडल नहीं कर रही है, जिस कारण से इन पैसेंजर्स को ट्रैवल के दौरान कई तरीके के मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, ये 2-3 जरूरी खबरें सामने आ रही थी आप सभी लोगों के लिए इंटरनेशनल फ्लाइटों की तरफ से, जिसकी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में जानने को मिली है। ऐसी और एयरलाइंस ट्रैवलिंग से आने वाली और भी खबरों की यदि आप जानकारी लेना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर फॉलो करके रखें।